हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉलम मैनेजर का फीचर्स है वो कैसे यूज़ करें। कॉलम मैनेजर इज़ नथिंग बट योर कॉलम लॉग बुक, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ ट्रेसेबिलिटी नहीं रहती, लाइक ऑडिट ट्रायल उसमें नहीं रहता, नंबर ऑफ इंजेक्शन नहीं रहते। तो वो सारी चीज़ें हम लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉलम मैनेजर है उसमें हम रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलम मैनेजर के लिए लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन टैब के अंदर कॉलम मैनेजर का आइकन है, हम कॉलम मैनेजर का आइकन पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम मैनेजर का ये होम पेज है। यहाँ पे एडिट एक्वाइजेशन लॉग डिस्प्ले का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है उसका लिस्ट यहाँ पे अपीयर होगा, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे लिस्ट आउट होंगी। सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जितनी भी कॉलम है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको ऐड करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कॉलम रजिस्ट्रेशन का टैब अपीयर होगा। यहाँ पे हम जो भी आपकी कॉलम है उसके जो भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे हम एग्जांपल रहते हैं, यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो, यहाँ पे आपका कॉलम आईडी जो भी है यहाँ पे रहेगा, आपका इनर डायामीटर आपके एज पर योर कॉलम में इंफॉर्मेशन, उसका लेंथ, पार्टिकल साइज, सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, उसका वेंडर नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, लॉट नंबर आपको अगर रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप, पीएच रेंज, उसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वो सारी इन्फॉर्मेशन एज पर कॉलम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजेक्शन आपको कितना रखना है कि पर्टिकुलर इतने इंजेक्शन के बाद मुझे ये कॉलम यूज़ नहीं करनी है, वो तो यहीं से डिसाइड कर सकते हो आप। यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट, एक्टिवेशन डेट है, आज से यूज़ किया तो आज का डेट आएगा। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि पर्टिकुलर ये डेट के बाद मुझे यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे आप ये डेट इंसर्ट कर सकते हो। ये सब हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ऑडिट ट्रायल पूछेगा कि पर्टिकुलर ये कॉलम आपने ऐड किया तो क्यों किया, यहाँ पे आपको रीज़न डालना है, न्यू कॉलम ऐड, और यहाँ पे ओके करना है। आपको यहाँ पे पासवर्ड भी इंसर्ट करना है ऑडिट ट्रायल के लिए। तो ये हो गया आपका कॉलम ऐड। तो इस तरीके से आप जितनी भी आपकी कॉलम है उसकी एज पर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लिस्ट आउट कर सकते हो। अगर आपको कॉलम लिस्ट 100 या 200 हो गई और उसका आपको प्रिंट भी लेना है तो पर्टिकुलर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट सेटअप। यहाँ पे आपने जो टेबल स्टाइल जो सेट किया है उस हिसाब से यहाँ पे आप प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फिजिकल प्रिंट आएगा, एज वेल एज आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट दे सकते हो। अब अगर आप एक्वाइजेशन के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो कॉलम आपको अभी यूज़ करनी है उस पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अटैच का ऑप्शन है। अब यहाँ पर कॉलम आईडी और नेम अपीयर होगा। पर्टिकुलर कौन से इंस्ट्रूमेंट पर करना है तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आपको ऑडिट ट्रायल पूछेगा, रीज़न आप यहाँ पे डाल सकते हो, अटैच, ओके। यहाँ पे आपको पासवर्ड भी इंसर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ABCD 123 नाम की जो कॉलम है वो HPLC 1 के इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे अटैच हो गई। तो जैसे जैसे एक्वाइजेशन स्टार्ट होगा, जैसे जैसे रन ख़त्म होगा, तो यहाँ पे एक्वाइजेशन लॉग के अंदर यहाँ पे लॉग जनरेट होते रहेंगे। जैसे आपका एक्वाइजेशन स्टार्ट हुआ जब तक एंड हुआ वहाँ पे आपका जो भी आपने कॉलम यहाँ पे अटैच की है, कॉलम नंबर 4 उसका नेम ABCD, ABCD 123 उसका ID, तो पर्टिकुलर जो कॉलम आपने अभी अटैच की है वो सारी यहाँ पे अपीयर होगी और उस हिसाब से आप उसका एक्वाइजेशन लॉग यहीं पे देख सकते हो। डेट एक्वायर्ड, सैंपल नेम, इंस्ट्रूमेंट नेम, एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट टाइप, वो सारी चीज़ें टेबल स्टाइल में जाके भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए
वहाँ पे ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो ये है आपका एक्वाइजेशन लॉग के पर्टिकुलर कितने एक्वाइजेशन इन रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट यहाँ पे हुए। अगर आपको काम ख़त्म होने के बाद अगर आपको डिटेच करना है तो वही कॉलम को राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिटेच का ऑप्शन है, द कॉलम विल बी डिटेच फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, ओके। यहाँ पे आपका फिर से ऑडिट ट्रायल आएगा, यहाँ पे आप पर्टिकुलर रीज़न डालने के बाद ओके कीजिए, पासवर्ड इंसर्ट कीजिए, तो ये आपके डिटेच हो गई कॉलम, राइट। कॉलम सर्च का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर करने के जो भी इंफॉर्मेशन आपने कॉलम रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी इंसर्ट किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलम सर्च करना है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, कॉलम आईडी से मैं कॉलम सर्च करता हूँ, यहाँ पे कॉलम आईडी ABC123 सर्च, तो उस हिसाब से आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे करोगे इस हिसाब से आपकी कॉलम सर्च होके यहाँ पे अपीयर होगी। तो इस तरीके से आप कॉलम मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। जब बात ऑडिट ट्रायल की आती है तो आपको पता है यहाँ पे लॉग ब्राउज़र का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपने कॉलम के अंदर जो भी आपने ऑडिट ट्रायल इंसर्ट किया होगा यहाँ पे आपका कॉलम नंबर 4 यानी कि हमने जो भी ऐड किया वो उसके अंदर आपने क्या चेंज किया, डबल क्लिक कीजिए आप, तो यहाँ पे आपको रीज़न पता चलेगा कि कॉलम मैनेजर में इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपने नंबर 4 को डिटैच किया, रीज़न डिटैच मतलब आपने जो भी ऑडिट ट्रायल यहाँ पे इंसर्ट किया होगा वो ऑडिट ट्रायल यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर से लैब सॉल्यूशन का कॉलम मैनेजर आप ट्रेसबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ इंजेक्शन आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।